तो उस हर सिस्टम से मुझे सवाल है, मैं कैसे जिंदगी भर सही चलूंगा? क्या वो व्यक्ति मेरे लिए सारी उम्र भर मेरा खर्चा उठा पाएगा? अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को सजा मत दीजिए। मैं चाहता हूं उस व्यक्ति को जहां पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है सेम जगह पे उसका ही पैर कटना चाहिए, और उधर से उसका फैमिली 3 घंटा बैठ के हॉस्पिटल में आके रोए। और आज हम इस वीडियो में इनके जस्टिस के लिए बात करेंगे। ये एक यूट्यूबर हैं जिनका चैनल है ज्ञान गेमिंग और नाम है सुजान मिस्त्री। कोलकाता के रहने वाले हैं। ये 22 अप्रैल को एक एक्सीडेंट में अपना पैर गंवा देते हैं जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस इंसिडेंट को उतना ज्यादा कवर नहीं किया गया। लेकिन अभी हाल ही में 12 जून को ज्ञान का एक वीडियो यूट्यूब पर आया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई और लगा कि ज्ञान को जस्टिस मिलना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ज्ञान अपने दोस्तों के साथ नेपाल से लखनऊ की ओर आ रहा था और एक ओवर स्पीडिंग कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी कार खाई में जा गिरी और इसमें ज्ञान को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। ज्ञान और उसके दोस्त काफी देर तक लोगों से मदद मांगते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। सब वीडियोस और फोटोज ले रहे थे, तो सारे फोटो वोटो खींच रहे थे। कम से कम 20 से 30 मिनट हो गया, हो चुका था शायद। दोस्तों लोगों ने बोला है तो मैं सबको बोला था भाई कार कार बुला ले मेरे लिए, और जल्दी से एक कार बुला यार। मैं शब्द नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ वो चीज़ में कैसे जमीन को। सब लोग फोटो खींच रहे था, मैं सबको बोला भाई कार बुला दो, मैं बच जाऊंगा कार बुला दो। मगर एक 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 इंसान नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त लोग देख के रो रहा था सब लोग। मैं बोला था भाई कार बुला दे, वो लोग भी रो रहा था। जो उनका वाइफ जो था वो रो रहा था भाई फोटो खींच रहे, तुम लोग यार कार बुला नहीं सकते हो यार। टुंडे भाई जो नेपाल से थे वो रो रो के सबको बोला था यार 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, इनको हॉस्पिटल पहुँचा दो। फिर काफी देर के बाद एक कार वाले ने हेल्प की और ज्ञान को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी एडमिट करने से, ट्रीटमेंट करने से मना कर दिए। डॉक्टर्स ये बोलते रहे कि ये पुलिस केस है, आपकी फैमिली कहाँ है, फैमिली के सिग्नेचर्स लगेंगे। कुछ करना, सॉरी उसे कैजुअल्टी में ले जाइए, आई एम ऑफ ड्यूटी नाउ। ऑफ ड्यूटी बोले तो? जहर खाया है तुम्हारे सामने मर रहा है तो ऑफ ड्यूटी बोले तो? देखिए इट्स अ केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड, पहले पुलिस फाइल बनवाना पड़ेगा। अभी तेरा अटेम्प्टेड मर्डर किया तो तेरा ये हॉस्पिटल तेरे को बचाएगा या पुलिस की वेट करेगा, बोल। जबकि वहाँ ज्ञान बोल रहे थे कि मैं जिंदा हूँ, मेरा ट्रीटमेंट कर लो, मुझे बचा लो। मैं जिंदा हूँ, उस हॉस्पिटल वाले जो आ रहे हैं हॉस्पिटल वाले समझे का दीजिए, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा इलाज कर दीजिए। उस समय से 1.5 घंटा हुआ था, 1.5 से 2 घंटा जी, मेरा इलाज कर दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ जितना पैसा है उतना लगाइए। पर क्या ऐसा होना चाहिए, जबकि काफी सारे स्टेट में कहा गया है कि चाहे मेडिकल लीगल केस हो पर अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है तो डॉक्टर्स रिफ्रेन नहीं करेंगे। बट बहुत सारे हॉस्पिटल अपने ऊपर कोई ब्लेम ना आए इसलिए ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर्स का वेट करते हैं कि पुलिस आ जाए, वो डिसीजन ले ले, हम तब ट्रीटमेंट करेंगे। और यही ज्ञान के साथ हुआ, इसलिए उनके ट्रीटमेंट में काफी डिले भी हुआ। अगर ज्ञान के ट्रीटमेंट में डिले नहीं होता तो मे बी उनका पैर बचाया भी जा सकता था, लेकिन हमारे इंडिया के सिस्टम के कारण उसने अपना पैर खो दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे पुणे पोर्स एक्सीडेंट केस में वेदांत को 300 शब्दों का AC लिखवा कर छोड़ दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर आरोपी से महज एक साइन लेकर छोड़ दिया जाता है। क्या यही जस्टिस है? भले ही यह अनजाने में हुआ हो और ड्रंक ड्राइविंग केस भी ना हो, बट ज्ञान को कंपनसेशन तो मिलना चाहिए ना, उसे जस्टिस मिलना चाहिए। मेरा एक सवाल है यूपी पुलिस से, यूपी पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन की है तो आप बताएं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, उस हाईवे पर क्या प्रॉब्लम थी, क्यों एक्सीडेंट हुआ। मैं यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी से भी पूछना चाहूंगी कि सभी हाईवे पर CCTV होना चाहिए या नहीं, जैसे पोर्स एक्सीडेंट केस में CCTV से सब कुछ क्लियर हो गया था कि गलती वेदांत की है। हमारे जो रोडवेज है, हाईवे है, उनमें बहुत काम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम होना बाकी है। हमारे इंडिया में रोड एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में भारत में कुल 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 4,43,366 लोग घायल हो गए। पिछले वर्षों से कंपैरिजन देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट में मृत्यु दर में
9.4% की वृद्धि हुई है। आज देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट का मेन रीजन ओवर स्पीडिंग है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने ओवर स्पीडिंग को हीरोइज्म बना दिया है। इसमें गलती अथॉरिटी की भी है, क्योंकि चालान ठीक से कटता नहीं है और ना ही बाकी रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इसलिए ओवर स्पीडिंग बढ़ती जा रही है। ये मामला सिर्फ ज्ञान का नहीं है, ये हमारे भारत के उन सभी ज्ञानों का है जो एक्सीडेंट में कभी अपने बॉडी पार्ट्स खो देते हैं तो कभी अपनी जान गंवा देते हैं। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 2030 तक रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को 50% तक कम किया जाएगा। अब देखना ये है कि हमारा भारत इस लक्ष्य को अचीव कर पाता है या नहीं। आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस मामले की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि ज्ञान को जस्टिस मिल सके, उसे कंपनसेशन दिया जाए। या उसने अपना पैर गंवा दिया है, उसकी पूरी जिंदगी जा चुकी है, उसके सपनों के साथ साथ उसके पेरेंट्स के सपने भी टूट गए हैं। सो जस्टिस फॉर ज्ञान गेमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।